नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की खास पेशकश में। शिवराज सिंह चौहान ने जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा है, वह है मध्य प्रदेश की बेटियों, बहनों और माताओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी ध्येय को लेकर अपने पहले की कार्यकाल से चलते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को जहां उनके जन्म से लेकर उनकी शादी तक के इंतजाम किए हैं, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने जब अपने तीसरे कार्यकाल में फिर से प्रदेश के मुखियों की कमान संभाली तो उन्होंने 15 मार्च 2023 को एक क्रांतिकारी योजना लाकर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। इसी योजना का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। शिवराज सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लाडली बहना योजना से सशक्त होती महिलाएं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन भराना शुरू हो गए, कहीं जाना नहीं है, परेशानी होना कि दफ्तरों में जाना, हर गांव में शिविर लगाए जाएंगे। जनता नहीं जाएगी, सरकार जनता के पास आएगी। अलग अलग गांव की तारीखें तय होगी, कब कौन से गांव में लगेगा। तो मंडो जी अपने कार्यकर्ता तैयार रखो यार, फार्म वार्म सब बड़ा भरवाना है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए जनता की। और फार्म भर के मार्च अप्रैल में फार्म भरेंगे, मई में पूरी सूची बनेगी और जून के महीने से खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान ही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत बन रहा है, उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है। बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखर है, शिवराज का वादा है, घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का देना, बढ़ चल भारी लाडली बहना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं को सौगात। लाडली बहना योजना बना रही महिलाओं को सशक्त। पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान। 1,000 से 3,000 रुपए तक की जाएगी योजना की राशि। सितंबर माह में महिलाओं को दिए जाएंगे 1,250 रुपए। योजना के माध्यम से महिलाओं का बढ़ रहा संबल। या देवी सर्व भूतेषु बहना रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, मेरे लिए बेटी, कन्या, बहन और माँ तीनों में एक ही रूप दिखता है, केवल देवी का स्वरूप, केवल देवी का स्वरूप। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और मन में एक संकल्प है मेरे कि हमारी जो गरीब बहनाएं हैं, हमारी निम्न मध्यम वर्गीय बहनाएं हैं, और मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता, बहन कौन जाति की है, कौन पंथ की है, ये मैं कभी नहीं सोचता,
अरना तो बहना होती है, बहन तो केवल बहन होती है। और इसलिए मुझे आनंद है, प्रसन्नता है, कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा मेरी बहनों, तब जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फार्म भरे जाएंगे, आवेदन भरे जाएंगे। मेरी बहनों, अभी तक मैं बेटियों की पूजा करता था, लेकिन बहनों में भी मैं माँ दुर्गा को देखता हूँ, लक्ष्मी को देखता हूँ, सरस्वती को देखता हूँ। और इसलिए अभी तय किया है कि आज मैं बहनों का सम्मान करके, नारी शक्ति की पूजा करके फिर कार्यक्रम प्रारंभ करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच बहनों के सम्मान के साथ लाडली मुख्यमंत्री बहना योजना का शुभारंभ करते हुए और सभी बहनों का स्वागत करते हुए बहन शर्मिला, बहन फूलवती और बहन क्रांति सूर्यवंशी को पोषण डलिया और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, पैर पखारते हुए एक अद्भुत दृश्य जहां माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर महिलाओं के जीवन को सरल बनाने के लिए तत्पर हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अनूठी पहल, बहनों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और पोषण डलियां भेज करते हुए बहन शर्मिला, बहन फूलवती और बहन कांति सूर्यवंशी को। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 मार्च 2023 को राजधानी भोपाल में किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रूपए डालने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यही नहीं रुकूंगा, अपनी बहनों के लिए ये राशि बढ़ाकर 3,000 रूपए प्रति माह की जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की पहली किश्त 10 जून को सीधे 1,25,00,000 पात्र हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। तो देखो भैया कहता है सावन के महीने में आता है कि नहीं, सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर या बहन को ले जाता है अपने घर और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है, बंधवाता है कि नहीं, राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा मेरी बहनों कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तुम मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, फिर लगा के साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहनें भी बताए चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है, बोलो, देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो सही बात है कि नहीं। और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें हैं, जरा ध्यान से सुनना, गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना, जिन बहनों की आमदनी 2,50,000 रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2,50,000 रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना, तुम में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ, तो जिनकी आमदनी 2,50,000 रुपया से कम है या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है। पूरे प्रदेश में मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है, 1,250,000 से कम आमदनी और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन
और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में, कोई के पास कार तो नहीं है, इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है, और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए, इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई, इधर वाले भी बताओ, तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीना डाला जाएगा, 1000 रुपया में। अगर साल में, अगर हर महीना 1000 रुपया मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 12000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? और उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दुनी कितने हो गए। और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही, तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1000 रुपया, तो सासू मां को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12000। तो कितने हो जाएंगे? 36000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6000 और मामा 4000, तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44000। अब बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, बताओ अपनी जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ सुधर जाएगी कि नहीं? अब ठाट से बहू घर पे रहेगी तो सास भी सोचेगी, बहू के हर महीना 1000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी लगी रोटी के, बोलो होगा कि नहीं? और सास को भी पेंशन मिली तो बहू भी सोचेगी, सोने के पहले जरा माँ के पांव तो दबा दूं, तो बोलो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो घर की हालत बदल जाए। और अभी तो मांगती थी, अरे मायके जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे। अब जब वो परेशानी में कभी होंगे और पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो मुझे पता है बहनें बचा के भी रखेंगी, और जब पतिदेव को जरूरत पड़ेगी तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जिले जाओ पैसा। बताओ होगा कि नहीं होगा? देखो ये योजना चमत्कार है, बहन स्वाभिमान के साथ जिएंगी, बहन सम्मान के साथ जिएंगी, बहन इज्जत के साथ जिएंगी, और इसलिए ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बचाने का बनाने का महाभियान है, बहनों की इज्जत बनाने का महाभियान है ये लाडली बहना योजना। बताओ बहना योजना अच्छी है कि नहीं? इधर भी बताओ अच्छी है कि नहीं? अच्छा अच्छी है तो कौन ने बनाई ये योजना? तुम्हारे भैया ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। जब कमलनाथ आए तो उन्होंने एक ऐसी योजना बंद कर दी थी, बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1000 रुपया में देता था, वो भी बंद कर दी थी। ये बंद करने वाले ये हिस्सा नहीं है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, सब ध्यान से सुनना। अभी मैंने टेलीविजन में देखा, न्यूज चैनल में पढ़ा कि बहने भग रही है कि वो बनवा लो आय प्रमाण पत्र, कई भग रही है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो। अब मेरी बहना सुनना, योजना तुम्हारे भैया ने बनाई है, आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? पीछे तक जरा ध्यान से सुनना, मत भगो मेरी बहनों यहां वहां, नहीं तो लोकसभा केंद्र में पैसा खर्चा कर रही, अरे प्रमाण पत्र बनवाना है। अरे तुम्हारा भैया जिंदा काहे का प्रमाण पत्र लिख देना कि 2.5 लाख से कम किया है मान ली जाएगी। तो बताओ परेशान तो नहीं होगी कहीं आप? जोर से बताओ, कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा आवेदन कहां भराएगा ये पता है कि नहीं? जोर से बोलो पता है कि नहीं? तो अब ये भी ध्यान से सुन लो, गांव में बैठी बहने भी सुन लो, शहर में बैठी बहने भी सुन लो, तुम्हें कहीं नहीं जाना,
मेरी बात समझ में आई? शहर में तुम्हारे वार्ड में शिविर लगेगा, वार्ड अगर बड़ा होगा तो चार चार शिविर लगवाऊंगा, कहीं नहीं जाना लाइन लगा के, कहीं खड़े नहीं होना। और एक बात और सावधान रहना, ये कई दलाल आ जाते हैं, दलाल क्या हो तुम्हारा पैसा स्वीकृत करवा दें, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, 500 रुपया खा ले कोई। कोई भी दलाली करे तो टेलीफोन नंबर 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा मैं। भैया आपने जो लाडली बहना योजना चलाई है उससे हम बहनों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। हर महीने जो 1,000 रुपये मिलेंगे उनसे हम कोई काम करेंगे जिससे हमारे परिवार को सहारा मिलेगा। भैया हमारा परिवार में मान भी बढ़ेगा और साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भैया सभी बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले से ही घोषणा की जा चुकी है कि समय समय पर लाडली बहना योजना की किश्त में बढ़ोतरी की जाएगी और इस तरह महिलाओं को ज्यादा पैसा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र हितग्राही महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि किश्त की राशि को 25% बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक किश्त सरकार देती थी, लेकिन अब महिलाओं को 1,000 की जगह 1,250 रुपए की मासिक किश्त दी जाएगी। अगर बहनें सशक्त, महिला सशक्त तो समाज सशक्त, समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त, और प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। आदरणीय मामा जी, मेरा नाम नंदिनी तिवारी है, मेरे पिताजी का नाम अंबिका तिवारी है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूँ। लेकिन आपके द्वारा लाई गई लाडली लक्ष्मी योजना से मुझमें हिम्मत आई है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। मामा जी, आपके द्वारा समय समय पर जो मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है उसने मुझे अपनी शिक्षा में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मैं यह योजना उन सभी बालिकाओं के लिए एक वरदान है जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देती हैं। मैं उन सभी बालिकाओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें पढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को आरंभ किया। मैं जानती हूँ कि अब मुझे पढ़ाने के लिए मेरे मामा जी मेरे साथ हैं। मामा जी, जो आपने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है उससे मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस की व्यवस्था आपने स्वयं कर दी है, जिससे कि मैं और मेरे माता पिता अब निश्चिंत हो गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मामा जी, अपनी और प्रदेश की सभी बेटियों की तरफ से जो इस योजना का लाभ ले रही हैं। मामा जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। किश्त की राशि में समय समय पर बढ़ोतरी का सरकार ने जो वादा किया था उसका लाभ अब महिलाओं को मिलने वाला है। अब ये लाभ यानी बढ़ी हुई किश्त महिलाओं को 10 सितंबर से मिलनी शुरू होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। सितंबर से 1.25 करोड़ की जगह 1.32 करोड़ लाडली बहनों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 21 वर्ष आयु की बहनें और ट्रैक्टर वाली परिवार की बहनों के नाम जुड़ जाने के बाद अब लाडली बहनों की संख्या 1,32,00,000 हो गई है। जो बहनें छूट गई है उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। अभी 1,000 रुपया दे रहा हूँ तो कितने रुपया देने पड़ेंगे साल भर में बताए किसी को? 15,000 करोड़ रुपया। बहुत बहनें हैं मेरी, सवा करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,25,00,000 मेरी बहने, और बढ़ती जा रही है संख्या। अभी 21 से 23 साल तक की बहनों के नाम भी जोड़ रहा हूँ, ट्रैक्टर वाले छूट गए तो उनके भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में एक खबर भी आ रही है कि कुछ और बहने भी छूट गई, तो वो भी चिंता मत करना,
आगे उनके नाम भी भाई जोड़ेगा। मेरी बहनों, तुम्हारे नाम जोड़ के किसी बहन को वंचित नहीं रहने देगा। ये न्याय दिया है तुमको, न्याय तुम्हारे भाई ने न्याय दिया है। पर मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया करनी है। कितनी करनी है? 10,000। आजीव कमीशन की बहने हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह की हाथ उठाओ। ये मेरी आजीविका मिशन की बहनों, कई काम धंधे शुरू करके तुम्हारी आमदनी बढ़ानी है। अब गरीब नहीं रहेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, खुशी से जिंदगी जिएंगे, बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे। अभी राखी पर बहनों को 250 रुपए दिए गए। लाडली बहना योजना के हर माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। एक फैसला मैं और कर रहा हूँ, अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। अरे जोर से बताओ ना, कहेंगे तो पैसे की जरूरत है कि नहीं? अरे इधर भी बताओ और उधर भी बताओ। तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूँ, ताकि राखी ठीक से मन सके। सीएम ने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपए महीना हो, और इसके लिए आजीविका मिशन में उन्हें विभिन्न गतिविधियों के लिए सहायता भी दी जा रही है। अब बहनों को टोल बैरियर के संचालन के लिए दिए जा रहे हैं। टोल टैक्स से प्राप्त राशि की 30% राशि बहनों को आमदनी के रूप में मिलेगी। मेरी लाडली बहनों, आप सबको प्रणाम। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने आपके सशक्तिकरण के लिए बनाई है, बहनों के सशक्तिकरण के लिए बनाई है। और सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा जरूरी है आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब बहनों के हाथ में कुछ पैसा हो। और जब पैसा होता है तो हमें आत्मविश्वास भी होता है, स्वाभिमान का भाव भी जागृत होता है। और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालने का फैसला हमने किया है। वो बहनें जिनकी उम्र 23 साल से लेकर 60 साल तक की हो, विवाहित बहनें जिनकी आमदनी साल में 2,50,000 रुपया से कम हो, उनकी या उनके परिवार की आमदनी, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो। परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे। ऐसी पात्र बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीने आएंगे। मेरी बहनों को दिक्कत ना हो, यह मेरी ड्यूटी है। इसलिए योजना को बहुत सरल बनाया है। योजना के फॉर्म आपके गांव या आपके वार्ड में भरवाए जाएंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोक सेवा केंद्र या और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में हमारे कर्मचारी आएंगे। 25 मार्च से शिविर लगेगा।
और शिविर भी एक दो दिन नहीं लगेगा। जब तक सब बहनों के आवेदन ना भर जाएं तब तक शिविर लगा रहेगा, चाहे 5 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे। आवेदन आराम से भरे जाएंगे क्योंकि भरने के बाद जमा करना है और जमा करने के बाद कंप्यूटर में अपलोड करना है। आपका फोटो भी खींचना तो फोटो भी वहीं खींचा जाएगा। और आवेदन में आपका नाम, पति का नाम, फोन नंबर इत्यादि के अलावा 3 जरूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। 1, आपका या आपके परिवार की समग्र आईडी। 2, आपका आधार नंबर। और 3, समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर। और ये जानकारी आपके पास है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेदन भरा जाएगा और उसके बाद EKYC करवाई जाएगी। इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव में या शहर में आपके वार्ड में EKYC करवाई जाएगी। और बहुत इंटीरियर के गांव में अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं रही और दूसरे गांव जाना पड़ा या कॉमन सर्विस सेंटर या और कहीं जाना पड़ा तो आपको नहीं भागना है, आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करके हम आपको वहां भिजवाएंगे। अकेले आप परेशान मत होइए। और EKYC का कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 EKYC के 15 रुपया हम सभी संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर या अन्य स्थान जहां EKYC होता है वहां दे रहे हैं। उसने कोई पैसा अगर आपसे मांग ले तो 1-8-1 नंबर लगा के शिकायत कर देना, जेल भिजवाऊंगा ऐसे लोगों को जिनने पैसा खाने की कोशिश की। याद रखना, आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी हो गई तो मेरे भाई होने का मतलब ही क्या है। इसलिए निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, आपके गांव या शहर में ही रहिए। हमारी टीम अपने आप आपसे संपर्क करेगी, शिविर में लाएगी और सारी औपचारिकताएं पूरी करवाएगी। EKYC इसलिए कि आपके खाते में ही पैसा जाए सीधा, इसलिए जरूरी है। आपको निश्चिंत रहना है, आपकी सारी चिंताएं हमारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, नमस्कार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जहां प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है तो वहीं अब महिलाएं इस राशि से अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हुई है। इस योजना का लाभ ले रही महिलाओं से साधना न्यूज ने बात की। सावन का इंतजार हर भारतीय नारी को रहता है, लेकिन इस साल का सावन कुछ और है, क्योंकि इस बार प्रदेश की लाडली बहनों को सावन से ज्यादा हर महीने की 10 तारीख का इंतजार है। जी हाँ, क्योंकि लाडली बहना योजना की सम्मान जो सम्मान राशि है उनके अकाउंट में आती है तो उनके चेहरे की चमक सावन के चमक से ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ये साल है। और ये साल कुछ इस तरह है क्योंकि भारत की जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं उनको सम्मान निधि, आपको मैं एक जानकारी चाहती हूँ कि एक जो अभी मुख्यमंत्री की जो लाडली बहना योजना है उनका पैसा आपको मिल रहा है? मिल रहा है। पहले वाले पैसे का क्या? कुछ घर में काम कर लिया, कुछ भी घर में मतलब करते हैं। तो कैसा लगा जब अकाउंट में पैसा आया? तो लगा अच्छा लगा। बाकी अगर दहाड़ी मजदूरी करने वाली ये महिलाएं हैं, इनके लिए अगर 1000 रुपए की जो सम्मान राशि लाडली बहना की जो आती है तो वाकई इनके चेहरे पे चमक लाने के लिए काफी है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आपके खाते में पैसे आए? अभी पहले के आ गए, अभी के नहीं चेक करें। अभी के नहीं, पहले के हैं। तो जो पहले के पैसे आए थे आपने क्या किया? अभी तो कुछ नहीं किया, रखे हुए हैं। अभी पहले करेंगे फिर कुछ लाएंगे। मैं तो ले कल। आप ले आए कल? क्या क्या उसका? क्या क्या हो, घर में काम बनी है, अनाज पानी वगैरह, राशन पानी भर लिया। पहले आपके अकाउंट में पैसे आते थे अम्मा? हाँ, नहीं आते थे। पहले के 1000 रुपया आए, अब 1500-1200 रुपया आए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चाहिए ना, अब कुछ भी ले आए, सब कोई को घर की मदद नहीं मिलती है तो वो उसके लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं। अभी तो रखा है, अभी भिड़िया नहीं हूँ। क्या घर में सामान लाएंगे, क्या करेंगे?
हमारे घर या हमारे लिए कुछ भी ले आए, कुछ भी आफत आए तो उसमें यूज कर ले, इसके लिए रखे रहे अभी तो। कभी जरूरत पड़ गई, कभी कुछ विपत्ति आ गई तो हाँ, तो इसके लिए तो कि रख ले तो अभी वो बाद में काम देंगे। आपको जो आपके अकाउंट में आ गए लाडली बहना? हाँ, लाडली बहना का आई गया। हम तीन सासू को है, गैस टंकी लानी और दो लोगों का क्या किया? एक को राशन भरियो घर में और एक की बच्चा बच्ची की फीस में या कहीं में भी रखी लांगा। तीन सासू बहू है हम तो, तीन ही का आई गया, हमारा दूसरी किस्त भी डलेगी। दादी आप क्या करते हो, जो पैसे आते हैं आपके अकाउंट में आप उसका क्या? चाय शक्कर ले आऊं अपन तो, और कहीं छोटी छोटी ना कर दी दूं आने हर महीना का हेड़े लो, वहाँ तो 600 रुपया हुआ है अभी तो, आप बड़ा होगा मामा जी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्रामीण जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं जिनको लाडली बहना का फायदा मिला है, तो उनके चेहरे की चमक तो वाकई उनकी खुशी बयां करती है। पहले 1000 की टंकी ली है गैस की और बाकी का दूसरे महीने में राशन भरा है। मैंने 1000 का बच्चे कपड़े लेके ही और घर में सामान लेके ही सब कुछ, इसके लिए उनके लिए धन्यवाद दे दिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने सामान भरा घर का, मामा जी को धन्यवाद। टंकी भरवाई मैंने गैस की, अच्छा लग रहा है। मैं शिवराज मामा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मतलब हमारे लिए कुछ किया, 1000 रुपए दिए और हमारी मतलब मदद हो रही है बच्चों की फीस में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं शिवराज मामा को धन्यवाद कहती हूँ, मेरे लिए अच्छा करा, बहुत बढ़िया काम पर लेडीजों के लिए, क्योंकि उनके लिए मैंने 1000 रुपए मिले मेरे को तो मैंने साड़ी वगैरह खरीदी मेरे लिए, क्योंकि राखी आ रही ना भैया की तरफ से तो पहनना ही पड़ेगी ना। मुझे लाडली लक्ष्मी योजना मिली हुई है और गैस की टंकी का मिला हुआ और वो लाडली बहना के पैसे मिले, धन्यवाद शिवराज सिंह चौहान। मुझे लाडली बहना का पैसा मिला है और लाडली योजना भी बनी है मेरी बेटी की, उनका धन्यवाद। नहीं बड़ी है, लड़का है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 1000 रुपए दिए मामा जी ने तो थैंक यू मामा जी को, 1000 का टंकी भराई मैंने भी। मैडम हमने भी टंकी भराई और राशन लिया था, मामा जी को धन्यवाद, मामा जी हमारी ऐसी मदद करते रहे। 1000 रुपए लाई मैं और दवा गोली लाई और फिर बाद में लाई एक बाटल चढ़वाई, 500 की गोली लाई, 600 रुपया घर से मिला है और खून की बाटल चढ़वाई, धन्यवाद भैया को। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको 1000 रुपए जो सरकार दे रही है वो मिला है आपको? हाँ मिला ना, मिला था, पति की तबीयत खराब थी तो अस्पताल में जमा किए। अस्पताल में जमा किए, हाँ। कैसा लग रहा है कि सरकार का पैसा हम अपने पति के इलाज में खर्च? नहीं अच्छा लग रहा है और अच्छा होगा और अच्छा करते हैं। मैंने तो बच्चे के एडमिशन करवाए उसमें, लेकिन बच्चे तीनों में लगाएंगे अपन तो, हाँ वो तीनों को पढ़ाएंगे अपन। पढ़ाई इजी हो गई बच्चों की? हाँ तो करवाना तो पड़ेगा। मैम 80 साल की हूँ। 80 साल की है लेकिन आप दुकान चलाती हैं घर में? हाँ दुकान चलाती है। कितने सालों से साड़ी की दुकान? मेरी साड़ी की दुकान है कि 30 साल से। 30 साल से, हाँ। जो आपको अभी 1000 रुपए आएगा तो आप उसका क्या करेंगे? तो मैं साड़ी लाके बेचूंगी और क्या करूंगी, हाट लगाऊंगी। हाट में लगाएंगे मतलब ज्यादा माल? ज्यादा माल ले आऊंगी। कैसा लग रहा है जो 1000 रुपए? अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे, खर्च करेंगे क्या? निकाल लिया आपने पैसे? हाँ निकाल लिए। कहाँ खर्च किए आपने? घर में खर्च करे, क्या करते हैं, सब्जी बेचते। सब्जी बेचते हो तो अच्छा, आप सब्जी का व्यापार करते हो तो उसमें सब्जी बेचने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि इस जो आप सब्जी बेचने का काम करते हैं इसमें उस राशि को उपयोग कर सकते हैं? हाँ। माल वाल ला सकते हैं? हाँ लाते ना सब्जी और क्या। कैसा लग रहा है कि आप कैसा लग रहा है जो राशि सरकार ने दिया है तो कैसा अनुभव? अच्छा लग रहा है ना। राशि आपने निकाल ली? जी हाँ। उसका कहाँ उपयोग किया है? जैसे 1000 मम्मी जी के आए और 1000 मेरे, तो मैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके थोड़ा सा घर वाले से लेके सामान ले लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें सिलाई विलाई करके गुजारा करते हैं। 1000 रुपए प्रति महीना से किसी ने अपने बच्चों की फीस भरी तो किसी ने राशन लिया, महिलाओं में काफी उत्साह है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं कि इन महिलाओं ने पैसों का क्या किया और वो इस बारे में क्या सोचती है। आपको 1000 रुपए मिले? जी मिले। अभी अकाउंट में जमा है, इकट्ठा हो जाएगा ना तो फिर मैं छोरी की शादी करें, जेवर बनवाएंगे उसके लिए, अच्छा लग गया। जी हाँ पैसे मिले 1000 रुपये महीना, दूसरी किस्त के भी मिल गए हैं और उससे मैंने थोड़ा घर खर्च किया है, थोड़ी शॉपिंग भी की है और साड़ियाँ खरीदी। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी जो उन्होंने हम
हम बहनों के लिए इतना सोचा और हमें 1,000 रुपये महीना देना चालू किया। पैसे मिले? हाँ मिले। क्या किया? अभी तो अकाउंट में है जमा, अभी नहीं निकाले हैं। हाँ है ना, 2 महीने के मिले? 2 महीने के मिले हैं। क्या करेंगे जब पैसा पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेंगे? जेवर लेंगे, कुछ भी चीज बसत लेंगे। 2,000 रुपये मेरे खाते में आ गए हैं, उससे 1,000 की मैंने बच्चों की फीस जमा की है, 1,000 की बुक ली है। और मैं शिवराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि 1,000 रुपये से बहुत बहुत हेल्प हो रही है महिलाओं की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1,000 रुपये मिले? हाँ मिले थे। क्या किया आपने 1,000 रुपये का? खर्च नहीं करे, रख लिए? रख लिए। अच्छा लग रहा है? मैंने तो अभी निकाले ही नहीं मैडम। क्या कहिए आज के समय? अच्छा लग रहा, धन्यवाद देंगे मामा को। हाँ मेरे खाते में 1,000 रुपये आ गए हैं और मैं वार्ड नंबर 19 में रहती हूँ और मैं शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ हमारे खाते में 1,000 रुपये आ गए हैं और मामा जी को आशीर्वाद देते हैं। हाँ हमारे खाते में 1,000 रुपये आ गए हैं, मामा जी को आशीर्वाद देते हैं। 1,000 रुपये आए हैं, खर्चे के लिए ले लिया, इस्तेमाल कराए। हाँ खर्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने हमारे इस्तेमाल में लिए राशन वगैरह सामान लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ मैडम पैसे आ गए और बहुत बहुत धन्यवाद के मतलब महिला उनके बल लिए इतना सोचा विधायक ने और भाई साहब ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1,000 में गुड़िया का एडमिशन करवा दिया है। एडमिशन करवा? हाँ अच्छा लग रहा है। बच्ची का किताब कापी में ये करा। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, यही बच्चे उनकी मदद हो गई, ड्रेस कॉपी कुछ भी। ड्रेस कॉपी? हाँ। क्या किया 1,000? घर खर्चे में काम मिले। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या बोले, धन्यवाद बोलना चाहते हो? क्या लाएंगे? हाँ बच्चों के लिए लाएंगे, जब डाले थे तभी मिल गए थे। हाँ मामा जी ने बहनों के लिए। हाँ हाँ क्या करेंगे? बस अपनी समस्याएं दूर करेंगे और क्या। मेरे को 10 तारीख के दिन शाम को 7 बजे आ गए थे पैसे। मैं अपने बच्चों की किताब कापी लेकर आऊँगी। मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं कि महिलाओं के लिए उनने इतना अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। बच्चों का खर्चा कर रहा, स्कूल का पढ़ाई लिखा, बहुत बढ़िया रहा ना। अच्छा रहा? हाँ अच्छा लग रहा। मुझे ले आई, मैं बच्चों को कपड़े ले आई। कैसा लग रहा है 1,000 रुपये? बढ़िया लग रहा है। और कहें मेरे लिए आज के लिए 1,000 रुपये मिला है, पर ऐसी मदद हमेशा के लिए देते रहे, करते रहे ना, हमको धन्यवाद तुम्हारा। अभी तो ऐसे मैंने मेरी बच्चियों की फीस भरी है, अभी फर्स्ट वाली फीस भर दी और अब अभी भी आगे मैं सिलाई करने के लिए मशीन लूँगी वो पैसा इकट्ठा करके, या फिर BC चालू कर देंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। हाँ हमने बच्चों की फीस भरी स्कूल में। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पैसे आए हैं? 1,000 रुपये अपने लिए भी खर्चा करा, बच्चे के लिए भी करा। हाँ मजदूरी करते हैं। हाँ अकाउंट में जब आपके पैसे आए तो कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ तो अगले महीने या इस महीने की जो राशि आएगी उसका क्या करने वाले? उसका भी कुछ खरीदेंगे, के लिए कुछ सामान लाए। हाँ घर के लिए। हाँ आते रहना चाहिए। हाँ अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। अभी हम तो मजदूरी करते हैं हमारे घर के सब। हाँ तो ये जो पैसे आ रहे हैं तो आपके लिए कितनी मदद हो जाए? अच्छी मदद हो जाती है मतलब। हाँ सरकार के लिए थैंक यू बोलेंगे मामा को और क्या। Okay, एक जैसा कि इन्होंने कहा कि परिवार के लिए इन्होंने कुछ खरीदा है और आने वाले समय में अगर राशि आती है तो परिवार में ही खर्च करेंगे, तो जब भी कोई योजना होती है हर उस व्यक्ति को जो आखिरी व्यक्ति होता है उस तक योजनाओं का फायदा मिलता है, क्योंकि हम जब गांव में आए तो हमने देखा कि यहाँ ऐसा कोई अभी घर नहीं मिला है जिसमें अभी इस योजना का फायदा ना मिला हो। आपके खाते में आई? हाँ आ गए। क्या क्या उस राशि? उसका घर में खर्चा कर दी, घर में खर्च कर लिया, निकाल लिया मतलब आपने? हाँ, निकाल लिया। हाँ निकाल लिया। हाँ कितनी बार आए? पहले आए ये? हाँ, एक बार आए, अगली बार अब दूसरी बार वापस आए, अभी नहीं लाए निकाल के। अभी नहीं निकाल के नहीं ला। आ चुके हैं पैसे? हाँ आ गए। हाँ। चेक किया कितने आए? हाँ चेक कर 1,000 रुपये आए। पहली बार आए हैं तो कैसा खुशी हो रही है? हाँ खुशी हो रही है। आपके जो परिवार में लोग हैं तो क्या बोल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो उसका आप क्या करोगे? हाँ यूँ ले लेंगे काम में खर्चे, कहीं जाने आने में, कहीं जाने आने में। पहले आप मजदूरी करते? नहीं करते, घर
मतलब घर का जो कैसे चलता है गुजर बसर? अच्छा चलता है, काम करते मजदूरी करते हैं। आपकी राशि है ऐसा आपको पता है? आपकी राशि है, आपको उपयोग करना है। अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं पैसे? अच्छा लग रहा है, हर महीने आने चाहिए से? अच्छा लग रहा है। और हमारा तो शिवराज मामा जी जी है, वही हमारा भाई है। अच्छा मिले? हाँ। कितने मिले? 1000। क्या किया? साड़ी लाया, सब साड़ी। क्या कैसा लग रहा है, क्या? बढ़िया लग रहा है, शिवराज मामा जैसा चाहिए हमारा भैया। आपको पैसे मिले? हाँ मिले। कितने मिले? 1000। क्या किया आपने? साड़ी ले। कैसा लग रहा है, क्या? अच्छा लग रहा है, धन्यवाद मामा जी का। कितने मिले? 1000। क्या किया? कुछ खर्चा कर लिया और क्या। कैसा लग रहा है, क्या कहें? बढ़िया मामा जी, बढ़िया। अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम, पैसे दे के अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, धन्यवाद मामा जी। आपको पैसे मिले? मिले 1000। क्या किया आपने जगह पर? मिले भी के क्या कर रहे हैं, साड़ी हड़ी लावे हमारे मामा जी। अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं? मुख्यमंत्री अच्छा है। और क्या कहेंगे आज उनको? पैसा तो मुख्यमंत्री ने डाले। हाँ डाले, तो क्या कहेंगे? मामा साहब धन्यवाद, धन्यवाद मामा साहब। हाँ मिले। कितने रुपए मिले? 3000 रुपए मिले मैडम। 3 भी बच्चों की फीस भर दी मैडम। क्या कहेंगे आशीर्वाद सरकार? धन्यवाद देंगे मैडम उनको। हाँ मिले मैडम, मैं पर 3000 रुपए पर नहीं, खाते में ही है, नहीं निकाले, गाँव पे है। अच्छा लग रहा है, पैसे मिले? हाँ मिले, 3 महीने के। अभी 2 महीना के लाई मैंने, 1 महीना कभी लाई नहीं। हाँ क्या किया उन पैसे? मैंने साड़ी ले ली थी भाई। हाँ क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मामा जी को, क्या कहेंगे? हाँ उनसे कहेंगे धन्यवाद। हाँ आपको? हाँ मिले पैसे, मैं 2000 निकाल लिए, 1000 पड़ गए अभी उसी में। क्या अभी क्या? अच्छा धन्यवाद देंगे। लड़की और के लिए साड़ी ले आई। अच्छा हाँ अच्छा लग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को पैसे। हाँ मिले, 3000। बच्चों की फीस भरी और काम लिए पैसे। धन्यवाद बोला, अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लगा हमको, क्या किया घर में बच्चे उनको खर्चा करना। 3000 मिल रहे। हाँ अच्छा लग रहा है मैडम, 3000 रुपये मिले तो। क्या मैडम, मैंने तो कुछ किस्त भरनी थी, किस्त भर दी और घर में काम में ले ली। सरकार को क्या कहेंगे, मदद? अच्छे कहेंगे कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं सरकार। 1 रुपए की राशि अगर देखा जाए तो जो टैक्स जो पे करते हैं उनके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला के लिए 1000 की राशि क्या मायने रखती है, आज हमको यहाँ पर पता चला। उसका पूरा एक जो प्लान होता है, बच्चे की फीस भरना, उसकी किताबें खरीदना, या जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ देना, या विपत्ति आने पर उसको राशि को संरक्षित रखना, ये एक योजना है। ज़्यादातर तो हमने जो महिलाओं से बात की तो यही आया है कि उन्होंने अभी तक राशि निकाली नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, या उन्होंने ऐसी विपत्ति आने के उसमें उन्होंने उस राशि को रखा है क्योंकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो उपहार है कहीं ना कहीं उनकी खुशी है और उस राशि पर सिर्फ बहना का अधिकार है, परिवार का कोई उस पे प्रेशर नहीं है कि पैसा लाओ, वो उसका अपना है, उसकी अपने स्वाभिमान की राशि है। तो उस राशि को लेकर हर बहन कितनी विश्वास है उसको कि वो राशि उसकी है, जब चाहे जहां चाहे जिस पर चाहे वो खर्च कर सकती है। लाली बहना योजना शिवराज सरकार की महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर मील का पत्थर साबित हो रही है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत तो बना ही रही है, वरन इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को भी देश के बड़े नेताओं की श्रेणी में आगे ला दिया है। इस योजना की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना।
ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिक रहे, शिवराज का वादा है। सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।